देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। राज, आप जिस सिंहासन पे बैठे हैं, कल एक वर्ष पूर्ण होगा, तो कहाँ है वो बहुमूल्य कंठमाला? अभी तक मेरे पास नहीं आया। आप सोनार के पास बनाने के लिए दिए थे ना? हाँ हाँ दिया था, वह अभी आ जाएगा। हाय हाय महाराज, मेरा सर्वनाश हो गया। अरे अरे रुको रुको रुको, आप वही मुर्शिदाबाद के स्वर्ण व्यवसायी है ना? जी हाँ महाराज। लेकिन आपका क्या सर्वनाश हुआ? रानी का जो हार बनाने के लिए दिया गया था कहाँ है? सर्वनाश हो गया महाराज, वह हार डकैत लूट लिए महाराज। जो कुछ नहीं सुनना महाराज, मुझे वही हार चाहिए। नदिया राज्य में डकैती, यह तो अच्छी खबर नहीं है सुनार जी। अगर उस डाकू को आप देखोगे तो पहचान पाओगे? तो अवश्य पहचानूंगा, उसके सिर पर बाबरी केस है, छोटा छोटा काटा गया था, दाढ़ी और मूछ बिल्कुल नहीं थी, गाल पर एक बड़ी तिल है उस गाल पर। और क्या विशेषता है? वही जो बोला था ना, बाएं गाल पर एक बड़ी तिल है। अब देखिए तो, हाँ हाँ इस बार एकदम ठीक हुआ है महाराज। अब आप इस तस्वीर को बाजार में लगवा दीजिए, चित्र कर कुछ ऐसे ही और तस्वीरें मुझे बना कर दो महाराज। इस तस्वीरों को हर गली हर रास्ते में लगवा दीजिए। इससे क्या होगा? ऐसे सभी लोग डाकू को पहचान जाएंगे और डाकू जल्द पकड़ा जाएगा। हाँ महाराज, गोपाल तो ठीक ही बोल रहा है। अरे यह क्या, चारों ओर तो मेरी ही तस्वीर लगी हुई है। लगता है चारों ओर हवा गर्म है, कोई न कोई व्यवस्था जरूर करनी होगी। क्या व्यवस्था करूं? हाँ, याद आया, बम काली बम बम काली बम काली। सन्यासी महाराज प्रणाम। आयुष्मान भव। किंतु पुत्र, एक सामान्य हार के लिए इतनी बड़ी चिंता क्यों है? चिंता मत करो, निश्चित समय पर वह हार तुम्हें मिलेगा। सन्यासी महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। अरे भाई, वह तो उनके योग साधना का बल है। नहीं नहीं, यह योग साधना की बात नहीं, मैं असल में महाकाली का नाम जप रहा था। माता ने ही सब बात मुझे बताई है, और ये भी बोली, कैसे वह हार आप वापस पाएंगे? कैसे वापस पाऊंगा? आप इधर आए। आइए राजा, यह बात मैं आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तब चलिए। अरे गोपाल, सन्यासी राजा महाराज को क्या कह रहा है? तुम लोग तो देख ही रहे हो, अब चुप हो जाओ। देखो महाराज आ रहे हैं। महामंत्री हबोचंद्र, रानी का हार प्राप्त करने के लिए सन्यासी विराट यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, और जितने दिन तक यज्ञ की पूर्णावती होगी उतने दिन तक यह सन्यासी राजमहल के कक्ष में रहेंगे। आप ध्यान देंगे इनको कोई असुविधा न हो। जो आज्ञा महाराज। आइए सन्यासी महाराज, आइए। अरे सन्यासी महाराज प्रणाम। उसके बाद रात में सोते समय कोई असुविधा तो नहीं हुई? अरे नहीं महाराज। प्रणाम महाराज। यही तो, तुम ठीक समय से आए हो। यही वे सन्यासी। सन्यासी महाराज, यह लड़का मेरे राज्य का विख्यात चित्रकार है, कला शिल्प की उन्नति के लिए आपसे आशीर्वाद देने आया है। क्या हुआ, मुझे देखकर इस तरह आश्चर्यचकित क्यों हो गए? असल में मैं आपके चेहरे पर एक अद्भुत लक्षण देख रहा हूँ। ये सब तो माँ की लीला है। बम काली बम काली बम काली, होगा तेरा जरूर होगा। तुम चित्रकार बनकर पूरे भारत में एक दिन नाम करोगे। तब महाराज, अब मैं चलूं? प्रणाम सन्यासी महाराज। क्या बोल रहे हो तुम?
यह देखिए उस चोर की तस्वीर। एक बार देखिए तो। रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। ढोंगी साधु सो रहा है और यही मौका है सबक सिखाने का। मंत्री जी लाल मिर्च दीजिए तो। ये लो। लाल मिर्च तो मैं जला दिया हूँ और अब मैं इसे कमरे के अंदर रख देता हूँ। अब देखो खेल कैसे शुरू होता है, अब मजा आएगा। ढोंगी साधु। हाँ। महाराज को। महाराज को बुलाने गया है, अभी आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, आँख जल रही है। जल गई आग, आग लग गई है। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, आग लग गई है। अरे बाप रे, अरे बाप। अरे यह क्या सन्यासी महाराज की यह दशा किसने की? ये कोई सन्यासी नहीं है महाराज, ये वही डाकू है। डकैत। तो फिर रानी का हार कहाँ है? हाँ यह लीजिए महाराज। महाराज दया कर मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मैं शपथ खाता हूँ महाराज, भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन गोपाल मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, वह डकैत राजमहल में कैसे आया? उसे क्या प्राण का भय नहीं था? डर था महाराज, इसीलिए वह अपना प्राण बचाने के लिए राजमहल में आया था। सिपाही डाकू को राज्य के सभी जगहों में ढूंढेंगे लेकिन राजमहल में नहीं। छोड़ो, तुम्हारी बुद्धि के चलते डकैत पकड़ा गया, यह लो अपना पुरस्कार। मेरे बुद्धि से बड़ा था चित्रकार, इसलिए यह उपहार मुझे नहीं चित्रकार को ही मिलना चाहिए। यह लीजिए चित्रकार अपना उपहार, समझे? विद्यालय में एक मास्टर था, वो हिंदी पढ़ाता था। जात का वो पंडित था, उसकी मूछ दाढ़ी नहीं थी और पीछे एक खड़ी चुटिया थी, और उसका नाम शिवराम भट्टाचार्य था। बच्चे उसको देखकर कांपने लगते थे डर के मारे। ये कौन फिका है? बताओ बताओ क्या हुआ? तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? अच्छी तरह बताओगे वरना तुम लोगों को मार मार कर तुम्हारा मुंह खुलवाऊ। नहीं मास्टर जी, नहीं। मास्टर जी माफ कर दीजिए, सॉरी सॉरी। बोल किसने फेंका था? जी भोला मास्टर जी। भोला इधर आ। किताब कॉपी लेके मजाक करता है? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं पैर पकड़ता हूँ मास्टर जी। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, छोड़ दिया मैं। इतना मार के मैं छोड़ दिया तुझे, जा कान पकड़ कर खड़ा हो जा। तू जा रहा है या फिर मारू? हमारे देवता यमराज से शिवराम भट्टाचार्य की तुलना किया जाता था एवं सभी की यही कामना रहती थी कि वह आने में ज्यादा विलंब ना करे, वो जल्दी से आए और जल्दी से चले जाए ताकि सबको उनसे छुटकारा मिले। वो तो सबको मारते ही थे लेकिन एक अच्छा काम भी करते थे, सारे बच्चों की एक नई नाम रखते थे। अंशु स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ता था
और बड़ा ही शरीफ सीधा साधा भोला भाला था, और बड़ा ही शर्मीला था, और क्लास में सबसे छोटा था, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था। और शिवराम भट्टाचार्य ने इस लड़के का नाम रखे पत्नी। लेकिन इसका नाम पत्नी क्यों रखे, वो बात कुछ दिन पहले की है। एक दिन स्कूल में छुट्टी थी और बादल गरजने लगे। क्या करूं, बारिश होने लगा, क्या करूं, लग रहा है बारिश बंद नहीं होगी। भैया आपके स्कूल में तो आज छुट्टी है, मेरे साथ खेलोगे आप? क्या खेलोगी बोलो? गुड्डे गुड्डियों की शादी। हाँ चलो खेलते हैं उधर जाके, चलो चलो चलो। भैया गुड्डा और गुड़िया को तो सजा दिए, चलो शादी करवाते हैं। हाँ लेकिन शादी कराने के लिए तो पंडित लगेंगे, पंडित कहाँ से आएगा? ये क्या लग रहा है बारिश बंद नहीं होगा। भैया वो देखिए एक आदमी खड़ा है, उसको पंडित बना देते हैं। हाँ हाँ बोल दो। सुनो मेरे गुड़िया की शादी करा दोगे? अरे बाप रे बाप मास्टर जी। क्यों तो बताओ ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा मास्टर जी। इसीलिए आज से मैं अंशु का नाम पत्नी रख दिया हूँ। पत्नी का नाम पत्नी का नाम। उसके बाद के दिन से ही पूरे स्कूल में इसको पत्नी के नाम से जानते थे। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। गोपाल और नेपाल दोनों उपस्थित हैं। मुर्शिदाबाद राज दरबार में आप दोनों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप जानते होंगे आप लोगों को क्यों बुलाए। हाँ सुल्तान बहादुर जानते हैं, मैं ना ये नेपाल बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, यही आप परखना चाहते हैं ना? आप दोनों प्रस्तुत हैं? हाँ सुल्तान बहादुर। अच्छा तो ठीक है, इस बार मैं आप दोनों को तीन मनुष्य लाने को कहूँगा, जिसमें से एक नदी के इस पार रहेगा और एक नदी के उस पार, और तीसरा आदमी नदी के बीच रहेगा, और समय देंगे एक दिन। जो यह काम अच्छी तरह कर लेगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। जाइए अब आप लोग काम में लग जाइए। हाँ दया कर हमें छोड़ दीजिए, हमें दया कर छोड़ दीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ क्यों डर रहे हो, डरो मत, सुल्तान बहादुर तुम लोगों से मिलना चाहते हैं, मिलकर चले आओगे बस। हम लोगों की हत्या तो नहीं करेंगे ना? तो फिर सुनो, कल तुम ठीक 10 बजे राजमहल के मुख्य द्वार पर चले आना, और मैं आकर खुद तुम्हें ले जाऊंगा राजमहल के अंदर। अच्छा। माँ आओगी ना? माँ कहकर बुलाए हो तो माँ अपने बेटे के तकलीफ में कैसे नहीं जाएगी? जाऊंगी मैं, जरूर जाऊंगी। लेकिन पुत्र मैं एकांत में साधना कर रहा हूँ, फिर मेरी जरूरत क्या है? डरिए मत सन्यासी जी, आप वहाँ बस कुछ क्षण के लिए जाइएगा। हाँ इसके बाद वापस आप अपने स्थान पर चले आइएगा। आप जरूर आइएगा। ठीक है अवश्य जाऊँगा। तुम चिंता मत करो गोपाल, मैं जरूर जाऊंगा। तुम बोलो और मैं ना जाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? प्रणाम सुल्तान बहादुर, यह देखिए आपके कथनानुसार मैं तीन व्यक्तियों को हाजिर किया हूँ। यह व्यक्ति किसान है, नदी के इस पार था। यह व्यक्ति कुम्हार है, जो नदी के उस पार मिट्टी उठा रहा था। अगर विश्वास ना हो तो इन लोगों से पूछ लीजिए। और गोपाल? नवाब बहादुर, मैं पहले आपको यह बता दूं कि आप यहाँ नदी का कोई नाम स्पष्ट नहीं किए थे,
इसलिए मैं तीन मनुष्य को लेकर आया हूँ, जिसमें से एक पुजारी है और ये ब्राह्मण है, और ये हमेशा यही सोचते हैं कि इनके भक्त हमेशा बढ़ते रहें और दक्षिणा में फल चावल पैसे हमेशा मिलते रहें और इसी कर्म में हमेशा व्यस्त रहते हैं। हाँ, इसलिए ये नदी के इस पार है और ये सन्यासी हैं। कर्म क्रोध मोह माया त्याग कर घने जंगलों में बैठ के जीव जंतुओं के बीच में गहरे ध्यान से ईश्वर की साधना करते हैं। ईश्वर के ध्यान में भूख प्यास भी मिट जाती है, इसलिए कहा जाता है ये नदी के उस पार के हैं। और ये एक माँ है, हमेशा अपने बच्चे की सेवा करती, इसको अपनी भी फिक्र नहीं है और न फिक्र है ईश्वर की, इसलिए इनको कहा जा सकता है ये बीच नदी के मनुष्य हैं। क्या समझे महाराज? सचमुच गोपाल, तुम बुद्धिमान ही नहीं बल्कि महान विद्वान हो, और यह लो अपना पुरस्कार। आज तुमने नदिया राज्य का मान बचा लिया, यह लो पुरस्कार। आपका यह पुरस्कार से मैं धन्य हो गया महाराज। गोपाल अपने मामा के घर पला बढ़ा और वहीं पे पढ़ाई करता था, लेकिन एक दिन घटना घटी परीक्षा के पहले। गोपाल, खाना खा के मेरे साथ बगीचे में चलना। हाँ, क्यों मामा? बगीचे में थोड़ा काम है, इसीलिए बोल रहा हूँ चलने के लिए। लेकिन मामा, मेरे परीक्षा में सिर्फ 18 दिन बाकी, अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तुझे परेशान नहीं करूँगा, तू खाना खा के पढ़ने बैठ जा, मैं देखता हूँ किसी और को ले जाता हूँ। क्या गोपाल, दोपहर के समय तू कहाँ जा रहा है? छत पे पढ़ने जा रहा हूँ। पढ़ना है तो छत पे क्यों जा रहा है, यही पे पढ़ना? नहीं मामा जी, यहाँ पे हमेशा लोग आते जाते रहते हैं और भोला भी परेशान करता है, पढ़ नहीं पाता। अच्छा ठीक है, जा तो फिर, मन लगा के पढ़ना, गिरना मत छत से। पढ़ने में मन लगा है इसका। ए है भोला, गोपाल का छोटा भाई, घर में सबसे छोटा है, इसीलिए अभी तक स्कूल में नाम नहीं लिखाया है। भैया कहाँ है मामा? भैया छत पे बैठ के पढ़ रहा है। मैं भैया के पास जाऊंगा। नहीं भोला, भैया का परीक्षा है ना, भैया को पढ़ने दो, परेशान मत करो। तो फिर मैं क्या करूँ अभी? अभी तुम यहाँ बैठ के खेलो 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 खेलो। मामा, भैया पढ़ क्यों रहे हैं? नया कुछ सीखने के लिए। पढ़ाई कैसे करते हैं? किताबों को रट के। मामा मैं भी पढ़ने जाऊंगा। ठीक है बाबा, ठीक है, तुम थोड़ा और बड़े हो जाओ, तुम्हें भी किताबें खरीद के दूंगा। हाँ, तब तुम भी पढ़ाई करना। नहीं मामा, मैं वैसा पढ़ाई नहीं, जैसा भैया पढ़ते है वैसा ही पढ़ाई पढ़ूंगा। वो कैसी पढ़ाई है बताओ? वही जो पतली पतली रंगीन रंगीन कागज रहती है और पतली पतली लकड़ियाँ और गोंद, मैं वैसा ही पढ़ाई पढ़ूंगा मामा जी, मैं भी पढ़ूंगा छत पे मामा जी। रंगीन कागज, गोंद, पतली पतली तिल्ली, ये कैसे पढ़ाई? क्या मामा जी आपको समझ में नहीं आता है, आप नहीं जानते, पतंग पतंग भैया पतंग बनाते हैं। गोपाल पढ़ने के बहाने छत पे बैठ के पतंग बनाता है। जाके देखना होगा मुझे। ठीक है,
तू जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। आप बुलाए हैं मुझे? बोल, तेरे परीक्षा में और कितना दिन बाकी है? बोला हूँ ना, 18 दिन। तो सही से पढ़ाई कर रहा है ना तू, या फिर टाइम पास कर रहा है? नहीं, मैं पढ़ रहा था। मैं क्या पढ़ रहा था? संस्कृत। संस्कृत पढ़ रहा था तो किताब कहाँ है? या फिर संस्कृत पढ़ने में रंगीन कागज गोंद लगता है? हाँ, बोल बोल। किताब कहाँ है? छत पे। ये क्या है? शैतान लड़का पढ़ने के बहाने तू पतंग बना के खेलता है, मुझसे झूठ बोलता है। आज से तू जब तक परीक्षा खत्म ना हो तू मेरे सामने बैठ के पढ़ेगा। तेरे पतंग बनाने का सामान मेरे अलमारी में रहेगा, समझे शैतान।